हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिस्ट और खोजते रहे नाम नहीं कर सके मतदान। सीतापुर नगर निकाय चुनाव और सबसे बड़ी समस्या वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की रही। यह समस्या तकरीबन हर मतदान केंद्र पर रही। कहीं पर पूरे परिवार के नाम लिस्ट से गायब मिले तो कहीं पति पत्नी का नाम रहे पर बच्चों के नाम गुम मिले। वोटर लिस्ट और बूथ बदलने और भी खूब गड़बड़ी रही। पहले जहां पति पत्नी एक साथ वोट करते थे, इस बार दोनों को अलग अलग कर मतदान केंद्रों पर कर दिया गया। इसे लेकर मतदाताओं और आक्रोश रहा। किसी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट तो किसी ने कंट्रोल रूम और शिकायत दर्ज कराई। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। इस बार वोटर लिस्ट और जमकर गड़बड़ी हुई है। सीतापुर नगर पालिका के मतदान केंद्र जनता कन्या पाठशाला पर मोहम्मद वसीर वोट डालने आए थे। इनका कहना था परिवार के अन्य 6 सदस्यों के वोट थे। पिछली बार सबने मतदान किया था, लेकिन इस बार पूरे परिवार के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इसी प्रकार वसीदा इसी केंद्र पर वोट करने आई थी, वह भी बिना मतदान के ही वापस लौट गई। कजियारा के वसीर परिवार के 8 लोगों के नाम लिस्ट से गायब थे। इसकी जानकारी जिस समय हुई तब वह वोट करने पहुंचे, वह भी लौट गए। ग्वाल मंडी निवासी हरिश्चंद्र सक्सेना के परिवार के 10 वोट थे। वोटर लिस्ट से यह सब नाम गायब रहे, यह देख हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए। शिकायत भी की, लेकिन वह मतदान से वंचित रह गए। विकास नगर निवासी मनोज शुक्ल खुद हमा वोट डालने से वंचित रह गए। वह कई बार वोटर लिस्ट को चेक किया, लेकिन उनका नाम गायब रहा। विजय लक्ष्मी नगर अंकुर चिरानिया ने मतदान करने की ठानी थी। जिस समय उनका नाम सूची और नहीं मिला, वह उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। इसी प्रकार तरीनपुर निवासी शिवम मिश्र हमें परिवार के साथ पोलिंग बूथ पर सुबह ही पहुंच गए। इसको लेकर उन सबके अंदर काफी उत्साह था, लेकिन लिस्ट और एक भी परिवार के सदस्य का नाम था। इसी प्रकार सीतापुर नगर पालिका के काशीराम कॉलोनी चौबेटोला के सलील सुनील व रोहन परिवार के साथ वोट करने पहुंचे थे, लेकिन इन सबके वोटर लिस्ट से नाम गायब रहे। ऐसे ही यहां पर कई परिवार शामिल है। कुछ ऐसी ही गड़बड़ी पूरे जनपद और रही। इससे मतदाताओं और काफी आक्रोश रहा। उनको कसक इस बात की रह गई कि 5 बरस इंतजार करने के बाद हम नुमाइंदा चुनने और भागीदारी नहीं कर सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।